भाई लोग यार, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ आप लोग इंस्टाग्राम रील्स पर ब्लर इफेक्ट वाली वीडियो कैसे बना सकते हो। जैसे कि अभी आप स्क्रीन में देख रहे हो इस तरीके की वीडियो आप कैसे बना सकते हो, जो कि इंस्टाग्राम रील्स पर इस समय बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला है वो इस तरीके का। मतलब पहले वीडियो होगी वो आपकी ब्लर होगी, उसके बाद जो कि कोई बीट होगी, उसके बाद वहाँ से आदमी ऐसे कर देते हैं या फिर ऐसे कर देते हैं, जैसे कर देते हैं उसके बाद क्या होता है एकदम आपकी जूम हो जाती है वीडियो। जूम होने के बाद जो कि उसमें एकदम कलरफुल आ जाता है और आपकी वीडियो और अच्छी लगने लगती है, एकदम साफ हो जाती है। तो इस तरीके की वीडियो आप लोग कैसे बना सकते हो, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में इस समय रील्स पर चल रहा है, तो यही आज की इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप भी इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हो जो कि पहले ब्लर होता है उसके बाद जूम वाला हो जाता है और एकदम साफ हो जाती है क्लियर बीट के साथ, तो अगर आप भी इस तरीके की वीडियो बनाना चाहते हो तो आप ये वीडियो को एंड तक देख सकते हो। आपको वीडियो शूट कैसे करना है, एडिट कैसे करना है, सब कुछ बताएंगे, बस वीडियो में एंड तक बने रहना। उसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको इस तरीके की वीडियो आखिर बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको वीडियो बनाने के लिए आपको शूट करना पड़ेगा। शूट कैसे करना है, आपको शूट करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पर। आपको इंस्टाग्राम पर जाना है, इंस्टाग्राम पर जाने के बाद रील्स वाले ऑप्शन में जाना है, जिस भी सॉन्ग पर आपने वीडियो बनानी है वो सॉन्ग के ऊपर क्लिक करना है, नीचे यूज़ दिस साउंड के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद क्या है कि आपको जो फिल्टर है वो आपको फिल्टर यूज़ करना है रिको। जी हाँ भाई लोग, रिको फिल्टर यूज़ कर सकते हो या फिर रिको फिल्टर नहीं यूज़ करना है। अगर आपको जो कि पार्क वार्क वगैरह में अगर आप वीडियो शूट करते हो तो पीछे पेड़ पौधे हैं उन सब के जैसे कलर आप चेंज करना चाहते हो तो आपको एक ही फिल्टर से वीडियो शूट करनी पड़ेगी, उसका उस फिल्टर का नाम है रिको। जी हाँ भाई लोग, RIKO होगा, ठीक है, ये आपको फिल्टर मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको रिको फिल्टर से जो कि वीडियो को शूट कर लेना है। शूट कैसे करना है, आपको शूट जो आपकी वीडियो कर रहा है उसको सबसे पहले आपको बता देना है कि यहाँ पर आपको ऐसा करना है। उसके बाद जहाँ पर ये हमारी बीट आती है ये सॉन्ग पर, यहाँ सर आपको जूम कर देना है। मतलब जब वीडियो वो शूट करेगा ऐसे करके पीछे शूट करेगा, उसके बाद क्या है कि जैसे ही सॉन्ग दूसरा आता है या फिर बीट आती है वहीं पर वो वीडियो आपके जो शूट कर रहा है वही जूम कर देगा। उसके बाद सारा कमाल होता है वो होता है एडिटिंग से। तो एडिटिंग आपको कैसे करनी है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, वो आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया वीडियो शूट कैसे करना है। शूट आपको करना है इंस्टाग्राम के ही रील्स वाले कैमरे से, रील्स वाले ऑप्शन में जाना है। उसके बाद अगर आप फिल्टर पीछे का कलर चेंज करना चाहते हो तो आप रिको फिल्टर से कर सकते हो। अगर आपको पीछे कलर नहीं, अगर आप और कहीं वीडियो बना रहे हो पीछे एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, बस आपको ब्लर वाला इफेक्ट लगाना है, ब्लर वाले के बाद आप इफेक्ट लगाते हो जूम हो जाता है, वो भी बताएंगे। तो बस आपको वीडियो शूट कर लेना है किस तरीके से, जैसे कि अभी आप देख सकते हो मैंने इस तरीके की वीडियो शूट करी, उसके बाद मैंने ऐसे कर दिया था, उसके बाद जो कि ऐसे कर रहा था जो मेरा जूम है वो जो शूट कर रहा था उसने कर दिया था, जूम कर दिया था। उसके बाद क्या है उसमें मैंने सॉन्ग ऐड करा, उसके बाद मैंने उसकी एडिटिंग करी। तो एडिटिंग कैसे करना है, एडिटिंग आपको करना है काइन मास्टर से, मैं आपको बताऊंगा। और एक और एप्लीकेशन है, वो एप्लीकेशन की जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दूंगा, तो टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सबसे पहले हम लोग एडिटिंग की बात कर लेते हैं। लोग आप लोगों को बताने के लिए मोबाइल की स्क्रीन में आ गए, उसके बाद आपको काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करना है, 9:16 वाला रेशियो लेने के बाद क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो कि मैंने ऑलरेडी वीडियो सेलेक्ट करके रखी है तो मैं यहाँ पर वाली वीडियो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने काइन मास्टर के अंदर अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लिया है, जो कि आप लोगों का टाइम ना बर्बाद करते हुए वीडियो ढूंढते फिर हम लोग उसमें सेलेक्ट करते, तो हमने डायरेक्ट ऐड कर लिया वीडियो अपनी। आप यहाँ पे आप देख सकते हो आपको वीडियो कुछ इस तरीके से शूट कर लेना होगा, जो कि आप देख सकते हो इस वीडियो में पहले मैंने लिपसिंग करी हुई है, लिपसिंग के साथ साथ उसके बाद ये सारा हमारा हो जाएगा ब्लर, ठीक है भाई लोग। अभी मैं आपको इसको ब्लर करके दिखाऊंगा और जो लास्ट में हमने ऐसे करके हाथ करा था उसके बाद यहाँ से आपका हो जाएगा एकदम क्लियर साफ, यहाँ पर इतना हिस्सा आपका साफ होगा, बाकी ये सारा ब्लर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसमें आपको लेयर पे जाने के बाद, मीडिया पे जाने के बाद वो वाला आपको जो कि रील्स ऐड कर लेना है, जिस भी सॉन्ग में आपने रील्स बनाई है, तो मैंने इस वाले सॉन्ग के ऊपर रील्स बनाई है। इसके ऊपर ऐड करने के बाद इसका जो ख़राब वाला पार्ट है वो इसको हटा देना है, जहाँ से आपकी एकदम लिपसिंग मैच कर रही है वो यहाँ पर आप यहाँ पर ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर नीचे की तरफ जाना है, यहाँ पर इसकी आइडियो को बाहर निकालने के लिए एक्सट्रैक्ट आइडियो का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करना है, जो आपने वीडियो ऐड करी है बाद में वो आपको डिलीट कर देना है। ये जो आपकी आइडियो है रील्स वाली ये ऐड हो गई, आप यहाँ पे जरा सा आपको सुना देता हूँ, ठीक है, इतना आपने सुन लिया, बाकी मैं अगर आपको पूरी रील सुनाऊंगा
तो यार कॉपीराइट आ जाएगा, मेरी वीडियो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो। अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट का दिखा देता हूँ जहाँ पर मेरा एकदम क्लियर होगा जूम वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि साफ हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद यहीं पर बाकी सारा आगे का पार्ट है वो ब्लर रहेगा, बाकी यहाँ पर जो कि एकदम क्लियर हो जाएगा, प्रिया जहाँ पर बोलता है। तो यहाँ पर आपको इतना काम हो जाने के बाद आपको वीडियो सबसे पहले काइन मास्टर में ऐड करना है, शूट करने के बाद काइन मास्टर से ही शूट करना है, इंस्टाग्राम रील से ही वाले कैमरे से शूट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बाद में लिपसिंग को मैच कर देना है। लिपसिंग मैच नहीं हो रही है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो लिपसिंग मैच आगे का पार्ट हटा उठू के। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ पर एडजस्टमेंट कर जाना है। ये मैंने ऑलरेडी पहले कर रखा है, तो यहाँ पर इसके एडजस्टमेंट आप यहाँ पर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, जो कि वाइब्रेटर और यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है ब्राइटनेस वगैरह के, तो यहाँ पर अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ से पीछे का आप यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आपका देख सकते हो पीछे का कलर जो कि ब्लू हो गया, मेरा ग्रीन था जो कि पेड़ था ये ब्लू हो गया, और मेरा रेड जो कि चेहरे का था वो भी एकदम ब्राइटनेस आपको बढ़ा देना है ताकि जूम हो तो आपकी वीडियो अच्छी लगे। इतना काम होने के बाद काइन मास्टर में आपको वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सेव वीडियो को क्लिक कर दें, आपका वीडियो हो जाएगी एक्सपोर्ट। तो सॉरी, यहाँ पर मैं एक बार और जो कि सबसे पहले मैं इसकी जो वॉइस है वो बंद कर देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को बताऊँगा तो फिर यार कॉपीराइट आ जाएगा, सॉन्ग बजेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सॉन्ग मैं आपको बाद में ऐड करके दिखा दूंगा। तो सॉन्ग मैंने ऐड करा है लेकिन उसकी जो वॉइस है वो मैंने बंद कर दिया क्योंकि यार कॉपीराइट आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का हो गया। उसके बाद आपको जो वीडियो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी। एक्सपोर्ट होने के बाद आपको एक एप्लीकेशन में चलना है जिसका नाम है प्रिक्यूल। तो हम लोग जो हमारी एप्लीकेशन है वो है प्रिक्यूल। ये एप्लीकेशन के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या टेलीग्राम अपने ग्रुप में दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन में जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उसके बाद नीचे प्लस वाले आइकन है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको वो वाली वीडियो दिख जाएगी जो आपने अभी काइन मास्टर से जो कि शूट करी हुई है। ठीक है, काइन मास्टर से जो आपने अभी सेव करी थी वाली वीडियो दिख जाएगी, तो वाली वीडियो को आपको क्लिक कर देना है और इस एप्लीकेशन से आप ब्लर कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने काइन मास्टर से अभी यही वाली वीडियो अभी आप देख सकते हो जो कि यही वाला कलर था, ये वाली वीडियो अभी मैंने आपको जो कि एक्सपोर्ट करी थी आप लोग के सामने। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, उसके बाद नीचे आप देख सकते हो नीचे बहुत सारे आपको फिल्टर्स वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे एकदम छोटे छोटे बॉक्स हैं, इसमें आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिखा है रेट्रो स्टार्स टीवी, और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा आपको Y2K करके, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है Y2K के ऊपर। ठीक है, नाम याद रखना। उसके बाद 6 नंबर पर 7 नंबर पर आपको एक इफेक्ट दिखेगा प्लास्टिक करके, ठीक है, ऑरेंज कलर का होगा, लड़की बनी होगी ये वाला, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एक बार और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है 1 नंबर में। उसके बाद यहाँ पर आपको 70 ओपेसिटी दिख रही है, इसको आप यहाँ पे स्लाइड कर देना, जो कि राइट साइड के ऊपर स्लाइड करोगे तो ये एकदम जीरो कर देना। उसके बाद ब्लर है, ब्लर यहाँ पे आपको जो कि 35 दिखेगा, इसको आपको कर देना है 90 के पार। ठीक है, 90 के आसपास कर सकते हो। फिल्टर है, फिल्टर भी आप एकदम जीरो कर देना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये लास्ट वाला है इसको भी जीरो कर देना। ये आपकी जो वीडियो है ये ब्लर हो चुकी है पूरी। ठीक है, अभी मैं आपको पूरा अच्छे से एडिट करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो वीडियो है ये 80 के आसपास आप यहाँ पर रख सकते हो। उसके बाद यहाँ से आपको वीडियो को कि ब्लर हो गई, उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ पर एक्सपोर्ट हो रही है हमारी वीडियो। तो जब तक आपको एक्सपोर्ट का थोड़ा सा टाइम लेगा 1-2 मिनट, तब तक आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 35 काफ़ी तेज़ होती है, बस आपका फ़ोन अच्छा होना चाहिए, फ़ोन क्या नेट ऑन होना चाहिए, बस नेट फास्ट होना चाहिए। ये एप्लीकेशन थोड़ा नेट से भी वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारी वीडियो हो जाएगी ब्लर। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आपको वापस से काइन मास्टर ही एप्लीकेशन में चलना है। तो सबसे आसान तरीका बता रहा है मैं आप लोगों को, यहाँ पर हमारी जो वीडियो है ये सेव हो गई, सेव टू वीडियो के ऊपर क्लिक करना है, ये हमारी वीडियो हो गई सेव। उसके बाद हम लोग को करना क्या है, उसके बाद हम लोग को वापस से काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। काइन मास्टर एप्लीकेशन वही वाले पार्ट के ऊपर आ जाना है, जो भी पार्ट आपने जो कि जहाँ से एक्सपोर्ट करा था ना वही वाले वहीं पर आ जाना है आपको काइन मास्टर में। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, आपको लेयर पे जाना है, देन मीडिया पे जाना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रीक्यूल का, एक फोल्डर बन जाएगा, यहाँ से आपको वो वाली वीडियो को सेव सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जाना है स्प्लिट स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पर फुल स्क्रीन आपको कर देना है जो कि राइट। उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा जहाँ पर आपको देख रहे हो जहाँ पर आपने जो कि कुछ भी अपना एक्ट करा होगा, उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करने के लिए बस यहाँ पर कुछ नहीं करना है, जहाँ पर आप एक्ट कर रहे हो ना बस यहाँ पर आपको देख सकते हो, यहाँ पर मैंने जूम वाला ऑप्शन करा और यहाँ पे मेरा जूम हो गया। उसके बाद जो आपने बाद में वीडियो ऐड करी है ना प्रिक्यूल एप्लीकेशन वाली ब्लर वाली, उस वाली वीडियो के ऊपर आपको आना है और यहाँ पर आपको जाना है स्प्लिट एंड कैंची के ऑप्शन के ऊपर, यहाँ पर ट्रिम टू राइट कर देना है। ठीक है, ट्रिम राइट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर आप वीडियो देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आपको करना क्या है, यहाँ पर इस तरीके का हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपने जूम करो, आपकी वीडियो एकदम क्लियर हो
हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर आपको जो आपने नीचे ब्लर वाली वीडियो लगाई उसके ऊपर जाना है। यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा आउट एनिमेशन का, उसके बाद आउट एनिमेशन पर जाना है। इसके बाद आउट एनिमेशन में जाने के बाद फेड के ऊपर क्लिक कर देना है, बस आपको फेड कर देना है। फेड करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो वीडियो आपकी एकदम परफेक्ट बन चुकी है और यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको क्या है कि थोड़ा सा मैं पे आपको सॉन्ग के साथ सुनाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा सॉन्ग दिखला कर देता हूँ, अब आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पर मैंने वीडियो ओपन करी, यहाँ पर आपने देख लिया सॉन्ग के साथ कितनी अच्छी लग रही वीडियो मैंने आपकी जो कि बिना सॉन्ग के साथ दिखाई थी, तो थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी। उसके बाद यहाँ से आप अगर आप वीडियो का एडजस्टमेंट अच्छे से करते हो ना तो आपकी एकदम परफेक्ट तरीके से वीडियो बनती है और एकदम क्लियर तरीके से आपकी जो वीडियो है वो एकदम परफेक्ट तरीके से दिखती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपकी जो वीडियो है ये एक नंबर की दिखने लगी है, एकदम रील्स की तरह। रील्स ही है ये, वैसे मैंने जस्ट एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताने के लिए शूट करी है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना। तो यार बाय।